हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत दिन बाद वीडियो लेकर आया हूँ कि एडमिशन का अंतिम मौका 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आया है और अगर जो यूजी या पीजी के जो भी अभ्यर्थी छूटे हों वह एडमिशन ले सकते हैं। एमपी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ दो दिन का डेट आया था, 23 से 25 अगस्त। चलिए आपको हम अब उसका लिंक दिखाते हैं। और कहाँ हम सबसे पहले सर्च करेंगे ई प्रवेश। ई प्रवेश मैंने सर्च कर लिया और इस प्रकार से हमारे सामने पेज खुलता है। अगर अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी बीए बीएससी बीकॉम इसके लिए देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर पीजी का देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम चलिए यूजी का ही दिखा देते हैं आपको, ठीक है। यूजी पर जैसे हम इसको यहाँ पर टिक करके एग्री करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ये लिंक है 23 अगस्त से 25 अगस्त तक आ चुका है। अगर आपके आसपास कोई छोटे छटके हों जो 12वीं से रुक जाना नहीं से या संस्कृत बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, कहीं से भी पास हुए हों तो वह इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें। और कॉलेज में जमा कैसे करेंगे उसका भी फॉर्म सहित में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो लिंक दी हुई है उस लिंक पर क्लिक करके और फॉर्म भर सकेंगे। यहाँ पर इसके आगे लिंक दी, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो फॉर्म भरा जाएगा और रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन रिसिप्ट भी ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा। चलिए अब आपको आदेश दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे एमपी हायर एजुकेशन, सर्च करने पर इस प्रकार खुलता है। इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने का जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस उच्च शिक्षा विभाग को तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पर हम आएंगे नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा स्क्रॉल करने पर हमें कुछ जानकारी, ऑनलाइन ई प्रवेश की प्रक्रिया संशोधित सीएलसी चरण 23 से 25 अगस्त की समय सारणी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर लिखा हुआ है, जो देख सकते हैं कि 23 से 25 अगस्त तक दिया हुआ है, 23 से 25 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, और 26 अगस्त से 28 अगस्त तक ऑनलाइन त्रुटि सुधार होगा और 29 अगस्त को मेरिट लिस्ट आएगी। 30 अगस्त से 31 अगस्त यानी दो दिन वह ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर पाएंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के 23 से शुरू होकर 31 तक खत्म हो जाएगा। इसके लिए जो फॉर्म है वह ये वाला फॉर्म भरना होगा क्योंकि सीएलसी छठवें चरण का चल रहा है, तो छठवें चरण का फॉर्म इस प्रकार से है। आप वहीं पर लिंक पर जाकर क्लिक करके यह फॉर्म प्राप्त कर सकेंगे जो इसका डेट का डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यानी जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो यह पेज दिख रहा है इस पेज को उस फॉर्म के साथ लगाएंगे और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे, फॉर्म के साथ यह पेज लगाएंगे और कॉलेज में सीधे जमा कर देंगे। और जमा करने के बाद 29 तारीख इसमें डेट दिया हुआ है, जो लास्ट में यहाँ पर डेट दिखा हुआ है कि 29 तारीख यानी 30 तारीख को आपका अलॉटमेंट आएगा और 31 तारीख तक आप इसका फीस जमा कर देंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये लास्ट राउंड है, इसके बाद एडमिशन नहीं होगा, यह अंतिम मौका है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सीएलसी छठवां चरण का आवेदन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दूसरे को भी जरूर शेयर कर दें। फॉर्म का लिंक आपको जैसे मैं बताया था गूगल पर सर्च कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे, सर्च करेंगे हायर एजुकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा। इस प्रकार से खुलने के बाद जैसे हम खोलेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और आएंगे, जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके और क्लिक करेंगे ऐसे आ जाएगा फॉर्म। आप इसी 3 नंबर पेज को प्रिंट करके आपका फॉर्म आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।